झांसी में भानु सहाय फिर किए गए हाउस अरेस्ट। भानु सहाय को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किया गया है। खबर झांसी से है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष है भानु सहाय, जिन्हें एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किया गया है। खबर झांसी से है, जहां सीएम के झांसी दौरे से पहले हाउस अरेस्ट किया गया है। सीएम और पीएम के दौरे से पहले किया जाता है हाउस अरेस्ट। इसी कड़ी में एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किया गया है भानु सहाय को। तो भानु सहाय को सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष है भानु सहाय। भारत नामदेव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया है। भानु देखिए, भारत अगर हम बात करें तो एक बार फिर से भानु को हाउस अरेस्ट किया गया है सीएम के दौरे से पहले, वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भानु सहाय जो है लगातार कहीं ना कहीं लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। भानु सहाय बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब झांसी पीएम का दौरा था तो उनको तब भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, और इसी दौरान आज सीएम योगी झांसी में है और झांसी वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम योगी ने दी है। 209 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने यहाँ किया है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी के आने पर इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और इनके साथ साथ कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है भारत, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ के नियति किड्स स्कूल में बच्चों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। नियति किड्स स्कूल में बच्चों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मासूम बच्चों ने अपने बड़े भाइयों को राखी बांधी है। नर्सरी से लेकर पांचवी कक्षा के बच्चों ने इस त्यौहार को धूमधाम के साथ स्कूल में मनाया है। इस दौरान बुद्ध विहार तकरोही के स्कूल के बच्चों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला है। और ये तस्वीरें नियति किड्स स्कूल की हैं, जहां पर भाइयों बहनों ने एक साथ इस त्यौहार को मनाया है। जो छोटी बहनें हैं वो बड़े भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हुई भी नजर आई हैं। कन्नौज में मामूली बात को लेकर दिन दहाड़े जमकर फायरिंग हुई है। मामूली बात को लेकर दिन दहाड़े जमकर गोलियां चली है। बाइक पर सवार होकर आए थे 5 से 6 युवक। तो बाइक पर सवार होकर 5 से 6 युवक आए थे, जिन्होंने मामूली बात पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। युवक और आरोपियों के बीच कुछ दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। एक बार फिर से विवाद देखने को मिला। पीड़ित युवक ने थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस थाने में पीड़ित पहुंचा है, जहां पीड़ित ने न्याय की गुहार भी लगाई है। बाइक रिपेयरिंग का काम करता है पीड़ित। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन की यह पूरी घटना बताई गई है, जहां मामूली विवाद को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग की खबर कन्नौज से सामने आई है। इस दौरान बाइक पर सवार होकर 5 से 6 लोग आए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मामूली बात को लेकर ये फायरिंग की गई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।